जंगल में एक बाघ और एक बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर, जो हमेशा उत्साही और प्रेरित रहता था, एक दिन ने अपने दोस्त बाघ से कहा, दोस्त, तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहिए और आलसीपन को छोड़ना चाहिए। बाघ, जो थोड़ा सा आलसी था, ने इस पर गौर किया और पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बंदर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेहनत और संघर्ष के साथ अपनी क्षमताओं का परीक्षण करना चाहिए। बंदर ने बाघ को एक ऊंचे पेड़ की ओर देखते हुए कहा, जो वहां पर है वह सब कुछ है। वहां से तुम जंगल को पूरी तरह से देख सकोगे और नए संभावनाओं का सामना करोगे। बाघ ने गहरा सोचा और फिर बंदर की सुनी। उसने निर्धारित किया कि वह मेहनत करेगा और पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचेगा। मेहनत और संघर्ष के साथ बाघ ने पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचने का संकल्प किया। वह रात भर मेहनत करता रहा और आखिरकार पेड़ की चोटी तक पहुंचा। वहां से उसने जंगल को देखा जो उसके लिए पहले कभी नहीं दिखा था। बंदर, जो नीचे था, उसे देखते हुए बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने दिखा दिया कि मेहनत और संघर्ष से ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बाघ ने उसे धन्यवाद दिया और उसे सीखा कि कभी कभी हमें अपने आलसीपन को छोड़कर मेहनत और संघर्ष में लगना चाहिए। इस अनोखी दोस्ती ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सीख दी और उनकी जिंदगी में नए दरवाजे खोले। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और संघर्ष से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और सच्चे दोस्त हमें सहारा प्रदान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।